पढ़ने तो गई, लेकिन ऐसे हाल में गई कि कभी कभी तो किराया भी नहीं होता था। मन करता था कि मैं बहुत पढ़ूँ, लेकिन पापा नहीं भेजते थे और ट्यूशन जाने का इतना मन था, लेकिन आज भी जब मैं जाती हूँ कॉलेज में जाती हूँ, लेकिन घर से कोई सपोर्ट नहीं है, पापा नहीं करते। मेरा बहुत मन करता ट्यूशन पढ़ूँ, जैसे लड़की आप इंग्लिश में बात करती है, मतलब इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन कोई ट्यूशन नहीं है। बहुत मन करता, लेकिन घर से कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे अंकल थे, बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब यहाँ तक कि बुक भी मेरे पास नहीं होती, फिर भी मतलब मेरा मन पढ़ने का। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं कॉलेज में एडमिशन नया हुआ, BSM से BA कर रही हूँ, तो मेरा जो स्टॉल था मैं उठ के जाती थी, वो इतनी जगह से फटा हुआ था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े कैसे हैं या मेरी ड्रेस कैसी है। ग्रामर तो जब भी मैं पापा को ग्रामर के लिए बोलती हूँ, कहते नहीं क्या इंग्लिश पढ़ के कहाँ जाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो मतलब मेरा इतना मन है, मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का सेंटर खोला जाए, जिससे हमें ग्रामर सीखने को मिले। और यहाँ पे जो कंप्यूटर सिखाने के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने सिखाया, बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों को, और हमें भी एक मौका मिला। नहीं तो कभी लैपटॉप चलाया नहीं था, कुछ ऐसा नहीं है घर में, तो हमने चलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जीमेल आईडी बनाना सीखा और लैपटॉप चलाना सीखा हमने, फॉर्म भरने सीखे, ये सब बहुत अच्छा लगा। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि और भी दिन हमें सिखाया जाए और हमें इसी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि मैं हूँ और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। मतलब मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे सपने जो पूरे करे जाएँ, मतलब हमें और दिन भी सिखाओगे तो अच्छा है, और ग्रामर का जो सेंटर वो खोला जाए अच्छा है हमारे लिए। मेरा बहुत मन है कि मैं मतलब इंग्लिश सीखूं, और ना तो इतनी फीस है।